बड़ा मंच, बड़े कारोबारी, बड़ी बहस, इंडिया की क्रोध की सच्ची दास्तान। मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद जीडीपी ग्रोथ को नई रफ्तार दी है। इकोनॉमी की रीढ़ माने जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां सरकार से क्या चाहती हैं? तो उसके कारण बहुत ज्यादा जी बिजनेस के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में देश के दिग्गज कारोबारियों ने सरकार के सामने न सिर्फ अपनी डिमांड रखी बल्कि सुझाव भी दिए। वो सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप नहीं होता है जी, तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि एक इंटेंशन है और एटीट्यूड है कि उसको किया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंटरेस्ट रेट किस तरह से कम हो, मंत्री साहब भी बता ही रहे थे, गडकरी साहब की वो भी चेष्टा कर रहे हैं कि ब्याज किस तरह से कम किया जाए। NHIC के लिए फंड्स वगैरह रेज कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी फंड्स रेज करना एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सब इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए जो अड़चने हैं अप्रूवल्स में, क्लियरेंसेज में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उसको कैसे उन अड़चनों को कम किया जाए, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जरूर होगा। इंफ्रा में निवेश से ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे, जिसकी अभी देश को सख्त जरूरत है। सरकारों ने ध्यान तो दिया, परंतु क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेसिक इश्यूज रहे इस देश में? अपने सबसे बड़ा बेसिक इश्यूज रहा कि भाई अपने अप्रूवल सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, उसमें हर जगह प्रॉब्लम रही है। किस तरह की कितनी अप्रूवल चाहिए और हर जगह उसमें रुकावट आई। लैंड एक्विजिशन वॉज ए बिग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम अब इस सरकार ने बड़ा ध्यान दिया इन पर, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और जब तक ये फास्ट नहीं होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ने के कारण इंटरेस्ट कॉस्ट तो ज़्यादा ही है, परंतु टाइम भी ज़्यादा लगता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या अमृत मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में FDI नियमों में ढील, सरकार हर तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के प्रयासों में जुटी है। यहां तक कि मेक इन इंडिया के जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कवायद भी आगे बढ़ रही है। कारोबारियों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। गंगा रिजनरेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमने कुछ मॉडल ऐसा बनाया है कि कुछ एरिए को कमर्शलाइज कर रहे हैं। अगर गंगा के किनारे आप घाट डेवलप कर रहे हैं तो आप अगर वहाँ एक सर्विस अपार्टमेंट, जिसे आप धर्मशाला कहना चाहेंगे, या मार्केट बना देंगे तो वहाँ से कम इतनी रेवेन्यू आ जाएगी कि वो पूरा घाट अपने आप में मेंटेन होगा। तो जब तक आप इस कॉमर्शियल माइंडसेट के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नहीं करेंगे तो नहीं सक्सेसफुल होंगे। कारोबारियों का मानना है कि देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इकोनॉमी को हाईवे से एक्सप्रेसवे पर लाना जरूरी है, तभी जाकर कम समय में लंबा सफर तय किया जा सकता है। इंफ्रा पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सुझावों के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में। नमस्कार। कहा जाता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है। अगर देखा जाए, जिस तरह से आज के सेशन की थीम है बिल्डिंग इंडिया, हम इंफ्रा का जो मूलभूत क्षेत्र है उसका हम जायजा लेने जा रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे और साथ ही आगे की राह तलाशेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इसके हम तब भी पहलुओं को एक 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अनूप कुमार मित्तल, CMD NBCC। सर गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हेमंत कनोरिया साहब हैं CMD श्री इंफ्रा, थैंक यू सर। ऑल्सो जॉइनिंग अस इज मिस्टर KP महेश्वरी, ही इज द CEO ऑफ SL हाईवेज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड आनंद राठी साहब हैं फाउंडर एंड चेयरमैन आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज, आप सभी का शुक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडिविजुअल्स की बड़े पैमाने पर बदल सकती है।
और काफ़ी काम भी हो रहा है। आप पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अभी मेंशन कर रहे थे गडकरी साहब के साथ इंटरेक्शन में कि पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी आपने बदलाव देखा है, ग्राउंड पर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं और किस तरह से इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। भारत में जो आज इन्वेस्टमेंट है, 300 से 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट PPP मॉडल पर हुआ है जी। और हमें नहीं लगता है कि किसी भी देश में, अभी लास्ट वीक ही हम US में थे और वहाँ पर भी डिस्कशन हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब अवस्था में है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो सोच रहे हैं PPP मॉडल कैसे वर्क करे। तो हमको बता रहे थे आप इंडिया में आइए और देखिए, 300 से 400 बिलियन डॉलर आज 15-20 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ है PPP मॉडल पर जी। कुछ सक्सेसेस हैं, कुछ मिस्टेक्स हम लोग किए हैं, तो उस मिस्टेक से क्या लर्न कर सकते हैं और किस कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सका। तो आज यदि देखें 2-2.5 साल में जो गलतियां पहले हुई थी, कुछ अच्छे हुए थे कुछ ठीक नहीं थे, रोड सेक्टर में काफ़ी बदलाव आया और जो कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंसेशनर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसको बहुत हद तक सॉल्व किया गया है और रिजॉल्व किया जा रहा है कंटिन्यूसली। मतलब एक दिन में तो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्टमेंट होते हैं तो प्रॉब्लम्स रहते हैं। पावर सेक्टर में भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूल के प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कॉम के प्रॉब्लम्स हैं जो सेंटर के हाथ में नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में हैं डिस्कॉम्स, तो वहाँ पर भी बहुत तरह के रीस्ट्रक्चरिंग करने पड़ेंगे, री इंजीनियरिंग करना है, उनके फाइनेंशियल स्टेट ठीक नहीं है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। तो हमें लगता है कि जनरली सरकार चेष्टा कर रही है कि किस तरह से करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बिकॉज सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप नहीं होता है जी तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि एक इंटेंशन है और एटीट्यूड है कि उसको किया जाए। फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंटरेस्ट रेट किस तरह से कम हो, मंत्री साहब भी बता ही रहे थे गडकरी साहब कि वो भी चेष्टा कर रहे हैं कि ब्याज किस तरह से कम किया जाए, NHIC के लिए फंड्स वगैरह रेज कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी भी फंड्स रेज करना एक बहुत बड़ा इशू है। और स्पेशली जो NPAs वगैरह हो रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बैंक्स के पास, तो बैंक्स अभी कुछ लेंड नहीं करना चाह रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो आज आप देखिए कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद देख पा रहे हैं कि जो कंसेशनर्स हैं उनको 15 से 35% उनका कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट गोज इनटू इंटरेस्ट। महेश्वरी साहब, आप समझा सकें समहाउ, अगर हम देखें जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट जो पिकअप होना चाहिए था, FM भी उसको लेकर थोड़े कंसर्न शो कर रहे थे कि वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है आपको कैसे उसको और बढ़ाया जा सकता है? अभी तक की जो स्टोरी रही है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? अभी मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि वो रोड सेक्टर में और बाकी पोर्ट्स और बाकी सेक्टर्स में क्या क्या कदम उठा रहे हैं जी। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज क्रिएट करवाती है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग इंडिया आपका थीम है वो देश के शहरों में बाकी स्टेट्स में क्रिएट होता है, और इसकी जिम्मेवारी होती है लोकल अथॉरिटीज़ की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की और स्टेट बॉडीज़ की। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कारणों से जो कम आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गति से स्टेट्स में बनना चाहिए जी या एट द म्यूनिसिपल लेवल, अर्बन लेवल बनना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका एक मेजर कारण ये है कि जो वहाँ पे जो क्लाइंट्स है, जो लोकल बॉडीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, स्टेट बॉडीज़ है, उनमें जो मैच्योरिटी और जो माइंडसेट चेंज चाहिए, जैसे कानूरिया साहब बता रहे थे जो PPP प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें एक पार्टनरशिप का महत्व होता है, तो वो जो महत्व होना चाहिए उसको तो अच्छा ये कॉरपोरेशंस और बॉडी नहीं समझती तो आप है। ये बता सकें समहाउ ये जो अभी तक जो म्युनिसिपल पे जो प्रेशर्स हैं जो सिविक और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से रहा है उसको लेकर, जो उसको मेंटेन करना हो या अपग्रेड करना हो उसको लेकर जो चैलेंजेस रहते हैं, और बात स्मार्ट सिटीज़ की हो रही है तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव का आप देखें जो मिलेनियम सिटी कहा जाता है, हम क्या सीख सकते हैं ताकि जब हम स्मार्ट सिटीज़ की तरफ बढ़ें तो आगे की राह थोड़ी स्मूथ हो? तो मैं आपको एग्जांपल करें उस तरह की मिस्टेक्स जो हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन साउथ इंडिया के एक मेजर सिटी में एक MSW प्रोजेक्ट जो होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट लगा था,
सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें फंडिंग थी, प्रोजेक्ट अच्छे से लग गया, लेकिन उसके बाद उसको चलाने के लिए जो टिपिंग फीस मिलनी चाहिए कॉरपोरेशन से वो पैसे कॉरपोरेशन नहीं रिलीज करता था। और एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुली सेटअप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप के कारण, वो प्रोजेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्टी में फंस गया। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमृत योजना हो या इसके पहले JNURM योजना हो, उसमें जो फंडिंग करती है प्रोजेक्ट ख़त्म होने तक ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग रहती है। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेटअप होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नेक्स्ट 15-20 साल तक जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो बना है उसको चलाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल अथॉरिटीज़ अगर सहयोग नहीं करती है, जो पेमेंट उनको करना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर या कंसेशनर को नहीं करती है, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुश रहना चाहिए। राइट राठी साहब, आपने अनुभव से बताएं, संभव हमने जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जो ब्रिटिश एरा के दौरान जो प्लानिंग हुई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लानिंग की बहुत बड़ी भूमिका है, वो यूजर्स ने कई डिकेड्स तक यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जिस प्लानिंग से वो इम्प्लीमेंट किया गया उसमें काफ़ी इशूज़ रहे हैं। तो जब हम आगे की प्लानिंग करें तो वो किस रूप में होनी चाहिए, कैसे फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, किन बिंदुओं पर हमें खास तौर के जोर देना होगा? जैसे ही बताया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है GDP ग्रोथ के लिए, कोई इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी, आप किसी देश की हिस्ट्री में लगा के देखें, अगर उनके 25 बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जब हुई है, जब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो अपने इंडिया का आज वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ इनकॉम्पिटेटिवनेस इज अवर लॉजिस्टिक कॉस्ट विच इज़ क्वाइट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मंत्री जी ने बताया बहुत ही बात, अगर वाटरवेज डेवलप होंगे और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स मस्ट गो डाउन। आज इवन पोर्ट्स पे अपनी जो कॉस्ट आती है बिकॉज दे एबल टू हैंडल थिंग्स फास्टर, तो उसके कारण कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो जैसे आपने कहा, पहले जो डेवलप हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले 50-60 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आनी चाहिए, लुकिंग टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लुकिंग टू द ग्रोथ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कैपेसिटीज़, वो हुई नहीं। तो अब जो ध्यान है, सरकारों ने ध्यान तो दिया परंतु क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेसिक इश्यूज रहे इस देश में। अपने सबसे बड़ा बेसिक इश्यूज रहा कि भाई अपने अप्रूवल सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, उसमें हर जगह प्रॉब्लम रही है, किस तरह की कितनी अप्रूवल चाहिए और हर जगह उसमें रुकावट आई। लैंड एक्विजिशन वॉज ए बिग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम अब इस सरकार ने बड़ा ध्यान दिया इन पर, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और जब तक ये फास्ट नहीं होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ने के कारण इंटरेस्ट कॉस्ट तो ज़्यादा ही है, परंतु टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर वही रोड 2 साल की बजाय अगर 6 महीने में तैयार हो जाए, जो होती है दूसरों देशों में देखा गया है कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेज इंप्रूव हो जाएं, तो आपका कोई भी काम जो है उसको फास्ट स्पीड से किया जा सकता है। और जैसे ही फास्ट स्पीड से करेंगे तो आपके कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसलिए जैसे आपने बताया कि पहले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का असेसमेंट जो है, अब देख रहे हैं कि इस सरकार में जाके एक प्रॉपर असेसमेंट हो रहा है, एक स्पीड बढ़ाई जा रही है, उसको हर क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है, और वो ज़रूरी है अगर देश को आगे बढ़ना, अगर अपने को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो अगर अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज रहेगी वो रहेगी, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है। राइट, क्योंकि आपकी इंटरनल लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा रहेगी। मित्तल साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, इस क्षेत्र में अब नई सोच जिस तरह से आ रही है, आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, आप NVCC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से रीडेवलपमेंट पर भी आपका काफ़ी फोकस है, और स्पेसिफिकली दिल्ली की स्काईलाइन को भी आप बड़े पैमाने पर उस पर जोर दे रहे हैं, क्या छोटे मंझोले शहरों की तरफ भी आप बढ़ रहे हैं, मतलब उस तरफ किस तरह से योजनाएं हैं इसको बढ़ाने के लिए? देखिए, जहाँ तक संबंध रीडेवलपमेंट का आपने कहा, तो अभी दिल्ली में ही हमारा फोकस रहा है कि रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिल्ली में ही था। जी, लेकिन इसके बाद टीयर टू सिटीज़ लाइक जयपुर, अलवर, भुवनेश्वर, उन लोगों ने भी लीड लिया कि रीडेवलपमेंट में काम किया जाए, क्योंकि उसका सीधा एक कारण है कि जब आप रीडेवलपमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 गुना एरिया मिलता है, FAR नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ना बजटरी सपोर्ट चाहिए। जो हर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं, चाहे सड़क से लेकर हर प्रोजेक्ट में, मेरा ऐसा मानना है कि हर प्रोजेक्ट में इतना पैसा खुद है कि आप बिना पैसा लगाए भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे रोड में आपने टोल लगाया, रीडेवलपमेंट में आपने कुछ पार्शल प्रॉपर्टी को मोनेटाइज किया, इवन हम गंगा रिजनरेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं,
वहाँ पर भी हमने कुछ मॉडल ऐसा बनाया है कि कुछ एरिया को कमर्शलाइज कर रहे हैं। अगर गंगा के किनारे आप घाट डेवलप कर रहे हैं तो आप अगर वहाँ एक सर्विस अपार्टमेंट जिसे आप धर्मशाला कहना चाहेंगे या मार्केट बना देंगे तो वहाँ से कम इतनी रेवेन्यू आ जाएगी कि वो पूरा घाट अपने आप में मेंटेन होगा। तो जब तक आप इस कॉमर्शियल माइंडसेट के साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नहीं करेंगे तो नहीं सक्सेसफुल होंगे। इस सरकार ने इस बारे में बहुत ध्यान दिया। अभी मैं अपनी संस्था की बात करूं, पिछले 6 महीने में 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इन्होंने अप्रूव किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राइट सर, एक बार कनौरे साहब आप ये बता सके, गडकरी साहब मेंशन कर रहे थे अब 22 किलोमीटर से डे हो रहा है और वो ये भी मेंशन कर रहे थे कि 42 किलोमीटर्स की भी हमारी योजनाएं हैं, ये आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले जिस तरह से BOT सिस्टम पर हो रहा था, फिर उसके बाद हमने देखा EPC मॉडल आ रहा है, स्पेसिफिकली हाइब्रिड एनर्जी पर भी इन्होंने जिस तरह से जोर दिया, ये स्पेस में एक तरफ ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है लेकिन पावर क्षेत्र में भी हो रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं आगे का रोड मैप कैसे रहने वाला है, कितना एक्शन होगा स्पेस में? देखिए अभी जैसे सरकार NHAI काफ़ी रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह EPC में अवार्ड कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि EPC मॉडल में 70-75% आगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 75% EPC में जाएंगे जी, 15-20% आपकी इसमें हाइब्रिड में और 5% BOT में, बिकॉज BOT में अभी फाइनेंशियल क्लोजर बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बैंक्स वगैरह के पास अभी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनकी लिमिट्स रहती है, उस लिमिट्स में वो फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट अभी ज़्यादा है, तो उसको सब कम करने पर के लिए स्ट्रेस्ड एसेट्स से निकलने के लिए उसमें कुछ समय लगेगा, 2-3 साल पक्का लगेगा। right. तो BOT प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कम रहेंगे, हाइब्रिड okay. में कुछ 10-15% का रहेगा और पावर सेक्टर में अभी भी जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं और वहाँ पर पावर सेक्टर में 2-2.5 लाख करोड़ बैंक्स के अटके हुए हैं, ओके तो इसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। समय लिमिटेड है, बस फाइनल कमेंट लेंगे, मित्तल साहब आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, आप बता सकें आपका क्या एग्जैक्टली आपको लग रहा है टॉप 3 चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं आगे चलते हुए इन ब्रीफ प्लीज। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो 1, 2, 3, कुछ पैनलिस्ट ने खुद कहा है, जो अप्रूवल्स हैं लोकल बॉडीज से जी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हर प्रोजेक्ट को डिले होने में जो इनिशियल 3 महीने का टाइम हम रखते हैं तो वो 1-1 साल नहीं होता है, तो हमने बात की थी सिंगल विंडो क्लियरेंस की, वो अभी कहीं उसके नज़दीक नहीं पहुंचे हैं। सबसे ज़रूरत यह है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको हमें एड्रेस करना है right. कि जो लोकल बॉडीज़ के अप्रूवल्स हैं वो एक जल्दी हों और उसके बाद कंप्लीशन के बाद, अभी आप बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं कि अप्रूवल्स के बाद दोबारा से वो रिविजिट होते हैं, तो इस इशू को सबसे पहले राइट। महेश्वरी साहब आप भी चलते हुए बता दें, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हो रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की रैंकिंग जैसे इंप्रूव होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी निगाहें लगी हुई हैं, अभी जिस तरह से इंडिया की पोजीशन 130th है, ये आप कैसे देख रहे हैं? अब क्योंकि स्टेट्स में भी काफ़ी एक्शन हो रहा है, उनकी भी रैंकिंग स्टार्ट हो गई है, तो सेंटर भी कर रही है एंड स्टेट्स में भी काफ़ी एक तरीके से कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है, ये पॉजिटिव है? सर्टनली ये बहुत पॉजिटिव है और लास्ट 2-2.5 साल में जो हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोगों ने एक अच्छा चेंज देखा भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेजर्स लेने बाकी है, बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट सब इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए जो अड़चने हैं अप्रूवल्स में, क्लियरेंसेज में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, उसको कैसे उन अड़चनों को कम किया जाए, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जरूर होगा। सर फाइनल वर्ड कनौरे साहब। देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्प्यूट्स होंगे और उसको किस तरह से एक्सपीडिशियसली सेटल किया जाए, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप भी जैसे फॉर्म हुआ, जैसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल सेटअप करना चाहिए जिससे कि वो सॉर्ट आउट हो सके। राइट सर, जस्ट लास्ट फ्यू सेकंड्स प्लीज, आप फाइनल कमेंट कर दें। दो चीज़ें खाली कहना चाहूँगा कि एक तो जो अप्रूवल सिस्टम में आई थिंक नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह सरकार को ये सोचना चाहिए डीम्ड अप्रूवल सिस्टम होना चाहिए। एक फिजिकल अप्रूवल लेने में हर जगह तकलीफ होती है, यू प्रिस्क्राइब द कंडीशंस ऑन विच अप्रूवल इज टू बी गिवन। और दूसरा जो है ये जो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है, आई थिंक अवर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हैज टू गो एंड इम्प्रूव टू मेक इट फास्टर। आप सभी का शुक्रिया। तो बिल्डिंग इंडिया में ये था इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास सेशन।